ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि फिटकरी घर में रखने से पैसे आते हैं, बट फिटकरी को एक्चुअली में रखना कहाँ चाहिए। फिटकरी का उपयोग हम लोग बरसों से देखते आए हैं और फिटकरी का उपयोग और फिटकरी से घरेलू उपचार बहुत से होते हैं जो रोज़ाना की ज़िंदगी में आपके बहुत काम आती है। जैसे अगर आपके व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो तो दुकान काम धंधे में बरकत और लाभ के लिए एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर दरवाजे पर लटका दीजिए। दुकान से धन लाभ मिलेगा और नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां भी नहीं आएगी, भाग्य भी चमक जाएगा। किसी भी तरह का घर में वास्तु दोष हो तो उसे दूर करने के लिए 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे घर के हर कमरे में और अपने ऑफिस या काम करने के स्थान पर रखें। इससे वास्तु दोष से होने वाले परेशानियों में कमी आएगी और सुख शांति और धन में वृद्धि होगी। उसके बाद नमक का कटोरा जो होता है तो अपने घर के बाथरूम में फिटकरी लीजिए या फिर नमक से भरा हुआ कटोरा रखें और हर महीने इस कटोरे के नमक को बदल दें। हवा में मौजूद नमी और घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने अंदर सोख लेता है। फिर पोछा लगाकर आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो गई है तो रोज सुबह घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक और गौमूत्र और फिटकरी मिलाकर पोछा लगाइए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा के साथ बीमारी भी दूर होती है। फिर पानी भी आपको बहुत फायदा करेगा। अगर परिवार में या घर में लड़ाई झगड़े या गृह क्लेश की समस्या है तो रात्रि में अपने चरपाई के नीचे एक लोटा पानी रख दीजिए और सुबह गुरु मंत्र या भगवान के नाम का उच्चारण करके उस जल को पीपर पर चढ़ा दीजिए। इस प्रयोग से लड़ाई झगड़े परिवार के लिए दूर होंगे और घर में शांति होगी और धन संपत्ति की वृद्धि होगी। अगर आपको डर लगता है, बुरे सपने आ रहे हैं, तो सोने से पहले एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने या तकिया के नीचे रखने से बुरे सपने नहीं आते और डर भी नहीं लगता है और किसी अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है और जिंदगी भर सुख शांति मिलती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।